अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स दिए हैं वो आपको सब समझ में आए होंगे। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो है इंडिफरेंस ग्रुप। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमने जो ये वो इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे हम प्रीवियस लेक्चर में, वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो वो मार्शल का दिया था, वो कॉर्डिनल कंसेप्ट वाला हम पढ़ रहे थे। लेकिन मैंने उसी वक्त आपको बताया कि मैं हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल कंसेप्ट भी हमें पढ़ना है, और जो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम उस टाइम पढ़ा वो हमने मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के हिसाब से पढ़ा। और जो आज का हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कंज्यूमर्स जो इंडिफरेंस करो है उसी के हिसाब से। फ्रेंड्स, चलो हम पहले पढ़ते हैं इंडिफरेंस करो। इंडिफरेंस करो क्या है इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे और इसके शेड्यूल के बारे में और इसकी करो को बनाएंगे। फ्रेंड्स, उस पर पढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, चलो हम चलते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या इंडिफरेंस करो पे। फ्रेंड्स, डिफिनेशन बताने से पहले, डिफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक शेड्यूल बनाना चाहता हूँ कि एक शेड्यूल, मगर क्या शेड्यूल, दो गुड्स का वो कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हम रखेंगे, दो गुड्स की कॉम्बिनेशन हम रखेंगे। गुड्स की कॉम्बिनेशन जो रखेंगे उन कॉम्बिनेशन का नाम रखेंगे। पहले कॉम्बिनेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे पहला कॉलम जो बनाएंगे वो कॉम्बिनेशन का बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे एप्पल्स का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तीसरा कॉलम जो बनाएंगे वो बनाएंगे बनाना, ठीक है ना, बनाना इसका, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन ए लेंगे और बी सी डी एंड ई। फ्रेंड्स, चलो अगर हम पहले कॉम्बिनेशन पे नजर डालेंगे तो अगर हम एक एप्पल कंज्यूम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम, मैं कहता हूँ अगर हम एक एप्पल कंज्यूम करेंगे हम कितने बनाना कंज्यूम कर सकते हैं, 15, क्या 15 बनाना। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जो मैंने आपको पीपीसी पढ़ाया होगा उसमें मैंने आपको बताया कि हम जो मैंने वहाँ पे एक बात आपको बताई कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज। और जो हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड है, और जो इनकम भी हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है। फ्रेंड, जो इनकम है इस वक्त, जो इनकम है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम में हमें क्या, बोथ एप्पल्स एंड बनानास क्या करने हैं, बाय करने हैं। लेकिन अब एक कंज्यूमर को सोचना पड़ता है, एक कंज्यूमर को सोचना पड़ता है हाउ मच बनानास मैं बाय करूं और कितने में एप्पल्स बाय करूं और कितने में बनानास बाय करूं, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एप्पल आई कैन बाय एंड हाउ मेनी एप्पल्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ बनानास आई कैन बाय, तो बे कोता है कर, मैं कितना कर सकता हूं, बे कोता है बाय कर, क्या इसको अपने जेब पे भी नजर रखनी है। जेब क्या होता है, वो अपनी इनकम पे नजर रखनी है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, उसकी इनकम जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड इनकम में से उसको क्या करना है, दो गुड्स बाय करने हैं, वो क्या है, एप्पल्स और बनानास लिमिटेड। अगर इसने एक एप्पल बाय किया तो वो 15 बनानास बाय कर सकता है, अगर दो एप्पल्स बाय किए तो वो 10 एप्पल्स, तो वो 12 एप्पल्स क्या बाय कर सकता है, ये बनानास बाय कर सकता है। जबकि इसने पहले 15 क्या किए थे, बाय 15 बनाना जब उसने बाय किए थे और एक एप्पल उसने अब चाहा कि मैं अब 15 एप्पल्स बनानास बाय नहीं करूं, मैं एक और एक एप्पल का यूनिट में बाय करूं, मैंने एक ही एप्पल बाय किया। जब वो एक यूनिट एप्पल का क्या बढ़ाएगा तो इसको क्या घटाना है, बनाने के कितने यूनिट्स घटाने, 3 यूनिट्स घटाने, क्या घटाने, 3 यूनिट्स। फ्रेंड्स, चलो हम पढ़ते हैं। और उसके बाद जब ये तीसरा यूनिट क्या, थर्ड यूनिट क्या करेगा, एप्पल का बाय, और इसको यहाँ पे क्या, और चार काम करने आ गया 8 पे, क्या आ गया 8 पे। फ्रेंड्स, कौन आ गया 8 पे, फ्रेंड्स ये आ गया आप 8 पे, और इसको चार यूनिट काम करने पड़े, किसके, इसको चार यूनिट काम करने पड़े बनानास के, एक यूनिट क्या बढ़ाने के लिए, किसका एक यूनिट बढ़ाने के लिए, एप्पल का एक यूनिट बढ़ाने के लिए। चलो फ्रेंड्स, अब हम चौथा देखेंगे, अगर ये फोर्थ यूनिट भी बाय करे तो इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे अगर ये फोर्थ यूनिट भी बाय करे तो इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे और काम करना है, और यहाँ पे इसको रखना है 3, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये यहाँ पे क्या रखेगा,
थ्री रखेगा। फ्रेंड्स चलो हम देखते हैं अब इसकी करो क्या देखते हैं, पहले हम करो पे नजर डालेंगे फिर मैं आपको डेफिनेशन भी बताता हूँ। मैंने इसलिए पहले फ्रेंड्स आप सोचते होंगे कि इसने पहले शुरू क्यों बनाया, इसने पहले मतलब इकोनॉमिक सार जो हमें पढ़ाते हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में वो पहले क्या बनाते हैं वो करो बता, वो पहले डेफिनेशन बताते हैं बाद में शेड्यूल बाद में करो, लेकिन मैंने पहले शेड्यूल बनाया उसके बाद हम करो बनाएंगे और उसके बाद में डेफिनेशन। इसलिए किया कि मैं चाहता हूं कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट, ना कि हम इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे स्टूडेंट के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से ना पढ़ेंगे बल्कि इकोनॉमिस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से कैसे, इकोनॉमिस्ट के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे कि हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब हम डेफिनेशन खुद बनाएंगे कि हम खुद डेफिनेशन बनाने के काबिल हो जाएंगे, इतने मतलब ऐसा समझ आना चाहिए कि हमें खुद डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। और फ्रेंड्स चलो हम करो बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस फ्रेंड्स, और यहां से जीरो जो एक्स एक्सिस से मैं एप्पल का यूनिट लूंगा और वाई एक्सिस से मैं बनानास का लूंगा यूनिट्स जो हमने कंज्यूम किए, एप्पल 1 2 3 4 5। और फ्रेंड्स जो हम यहां से करते हैं वो है बनानास, बनानास क्या कर ले हमने बनानास जो कंज्यूम किए हैं हम क्या रखेंगे 2 2 का गैप रखेंगे 2 4 8 10 12 14 ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा फिर 15। फ्रेंड्स मैं एग्जांपल के तौर पर आपको ये दिखाता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं, करो मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। फ्रेंड्स जब हम एक क्या 15 बनाना बाय करेंगे कंज्यूम करेंगे तो हमें कितने एप्पल्स बाय कंज्यूम करने हैं, क्योंकि जो हम ये है ना फ्रेंड्स पहले वाली कॉम्बिनेशन हर कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे दिए, क्या दे दिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे दिए फ्रेंड्स, क्या दे दिए हर लेवल हमें सेम लेवल ए बी सी डी हर कॉम्बिनेशन हमें क्या देती है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी सेटिस्फेक्शन ए कॉम्बिनेशन पे है उतनी बी पे भी उतनी सी पे भी उतनी डी पे भी, क्योंकि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड जो सारे रिसोर्सेज सारी इनकम हमें क्या करनी है सारी इनकम जो है जो इसके लिए रखी है वो सब क्या करनी है सब स्पेंड करनी है किन पे इन दो में दो गुड्स पे, और क्या मिलनी चाहिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हर यूनिट पे मिलनी चाहिए हर कॉम्बिनेशन में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पे 15 12 और यहाँ पे 1 2 एक एक यूनिट बढ़ाने के लिए हमें पहले 3 यूनिट काम करने पड़े फिर 4 फिर 5 यूनिट। और फ्रेंड्स चलो हम पढ़ते हैं और चलो हम आगे चलते हैं। जब 15 यूनिट्स बाय किए हमने किसके बनानास के तो हमें क्या एक यूनिट एप्पल का बाय करना पड़ा, तो हम यहाँ पे ये डॉट रखेंगे, ये क्या हो गया पहली कॉम्बिनेशन और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है 2 और 15। चलो देखते हैं 2 और 12 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 2 और 12 कितना हो गया 2 कॉम्बिनेशन। और तीसरी कॉम्बिनेशन क्या है 3 3 और 8 3 एंड 8। चलो देखते हैं 3 एंड 8 कहाँ पे आएगा, 3 एंड 8 यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स 3 एंड 8। और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो कितना है फ्रेंड्स 4 4 एंड 3 4 एंड 3 फ्रेंड्स, चलो देखते हैं 4 एंड 3 यहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यही क्या करेंगे हम ज्वाइन करेंगे ये पॉइंट्स, इन पे एक लाइन डालेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्या बन गई फ्रेंड्स, इसको कहते हैं आईसी, क्या कहते हैं आईसी मीन्स इनडिफरेंस करो फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं इनडिफरेंस करो फ्रेंड्स। जो हमने इनडिफरेंस करो बनाई है मैंने इसलिए आप पहले बनाई है क्योंकि हमें डेफिनेशन खुद बनानी आनी चाहिए। चलो हम आप डेफिनेशन पे जाते हैं, मैंने इनडिफरेंस करो आपको दिखाई है, इनडिफरेंस करो जिसकी शेप आईसी होती है ये इनडिफरेंस करो, या मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर इनडिफरेंस करो दिखाई। और फ्रेंड्स चलो हम इसके किस पे जाएंगे, आप इसके ये डेफिनेशन पे जाएंगे, क्या इसकी डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स। इट इज यानी इट क्या है, ये इंडिफरेंस करो, इट इज ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू combinations
It is graphical representations of two combinations of two goods where the satisfaction level remains same, such curve, is called in indifference curve. Friends, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? है ना इंडिफरेंस करो, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. जो हमने बनाए ना टू गुड्स की, किसकी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, है ना. जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया फ्रेंड्स, आप देखिए जरा, जो हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया आप ये देखिए, यह है ना कॉम्बिनेशन. ये क्या है? यही कॉम्बिनेशन हमने किसमें ली? ग्राफिकली ली. किन की? दो गुड्स की. और वायर द सेटिस्फेक्शन लेवल रिमेन सेम, जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो सेम रहती है ना फ्रेंड्स. पहले पे भी जो सेटिस्फेक्शन आती है वही दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी. ये कैसे? ये ऐसे आता है कि जब हम 15 बनाना बाय कर उस वक्त हम सिर्फ एक बाय कर सकते हैं. जब हम चाहते हैं हम दूसरा एप्पल बाय करें तो हमें क्या बनाना के यूनिट्स कम करने हैं, तब हम बाय कर सकते हैं क्या? क्योंकि इनकम जो पहले पे होती है वही दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी. और फ्रेंड्स हम जब दूसरा बाय करेंगे हमें यहाँ पे चार यूनिट, तीन यूनिट्स बनाने के काम करने और दो एप्पल्स क्या कर रहे हैं? बाय कर रहे हैं. इसका मतलब यही है कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहती है. क्या रहती है? सेम रहती है फ्रेंड्स. जो ये करो है सच करो, और इस करो की क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इनडिफरेंस करो. फ्रेंड्स ये था इनडिफरेंस का टॉपिक. फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. और अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन होगा तो वो प्लीज 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 वो क्वेश्चन अगर किसी को होगा वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन बताएगा. अगर किसी को मतलब कि कंसेप्ट की कमी होगी, कोई चाहता है कि मुझे ये कंसेप्ट इसी तरह मिलना चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स मिलेंगे दूसरे वीडियो में. दीजिए इजाज़. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.